हाँ जी, लेजर क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहला अकाउंट कैश का अकाउंट है, तो कैश में डेबिट में टोटल कितना है देखो, 19,800, और क्रेडिट में टोटल कितना है, ओनली 7,000। यहाँ पे 19,800 और यहाँ पे कितना, 7,000। तो कैश के अंदर बैलेंस इस तरफ कम है, तो जहाँ पे बैलेंस कम है उसके लिए अपन क्या एंट्री बनाते हैं, बाय बैलेंस सीडी। और बैलेंसिंग किस दिन करते हैं, मंथ के एंड पर, तो मंथ का एंड क्या होगा, January 31। अमाउंट आ जाएगा 12,800, 12,800 टोटल, 19,800, 19,800। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया बाय बैलेंस सीडी, तो नेक्स्ट डेट पर क्या एंट्री बनेगा बताओ, टू बैलेंस बीडी, ऑन विच डेट, 1st of Feb, टू बैलेंस बीडी 12,800। अगला अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस बीडी, इस तरफ कोई भी एंट्री नहीं है, तो बैलेंसिंग इस तरफ करेंगे, क्या बैलेंस होगा, January 31 को बाय बैलेंस सीडी कितने अमाउंट से, 1 लाख, ठीक है, टोटल आ जाएगा इसका 1 लाख, यहाँ भी टोटल 1 लाख, और उसके बाद नेक्स्ट डेट को क्या एंट्री बना देंगे, टू बैलेंस बीडी अमाउंट 1 लाख। उसके बाद अगला अकाउंट है मशीन का अकाउंट, मशीन में ओनली 2 में एंट्री है, बाय में कोई भी एंट्री नहीं है, तो मशीन का बैलेंसिंग किस तरफ होगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी अमाउंट आएगा 50,000, टोटल लगा देना है 50,000, 50,000। और अगर यहां पे एंट्री आया बाय बैलेंस सीडी, तो फिर अगला एंट्री क्या बनेगा, 1st of Feb को एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस बीडी 50,000। नेक्स्ट चेक करो गोकुल का अकाउंट, तो गोकुल के अकाउंट में यहाँ पे पहले एंट्री है 10,000 का, ठीक है, फिर एंट्री कितने का आया, 9 and 1 का, तो यहाँ पे एंट्री टोटल कितना हो गया, 20,000, और यहाँ पे कितना है, 10,000, किस तरफ बैलेंस करें, इस तरफ, किस तरफ, राइट में, January 31 एंट्री क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, जिसका अमाउंट आ जाएगा 10,000, टोटल करेंगे 20,000, क्योंकि January 31 को लिखा है बाय बैलेंस सीडी, तो Feb 1 को टू बैलेंस बीडी 10,000। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है, इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी में ओनली डेबिट में एंट्री है, क्रेडिट में कोई भी एंट्री नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे बताओ, January 31 बाय बैलेंस सीडी, जिसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 1140, टोटल 1140, 1140। और क्योंकि यहाँ पे एंट्री आया बाय बैलेंस सीडी, तो फिर नेक्स्ट डेट पर टू बैलेंस बीडी 1140।
अगला अकाउंट है मेरे पास में इनपुट एसजीएसटी, इसके लिए क्या करेंगे बताओ? जनवरी 31 बाय बैलेंस सीडी 1140, टोटल लगा दिया 1140 1140। नेक्स्ट क्या एंट्री बनाएंगे? फेब 1 को 2 बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1140। नेक्स्ट अकाउंट इज योर स्टॉक अकाउंट, स्टॉक के अकाउंट में क्या एंट्री बनेगा? जनवरी 31 बाय बैलेंस सीडी 40,000, टोटल 40,000। इसके बाद अगला एंट्री क्या बनेगा बताओ? टू बैलेंस बीडी, उसके बाद है राहुल का अकाउंट। अब देखो राहुल के अकाउंट में यहाँ पे कितना है 5,000, यहाँ भी कितना है 5,000, इसका मतलब इसको तो बैलेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस अकाउंट के अंदर दोनों साइड बराबर आ जाए उसको अपन बैलेंस नहीं करते, ठीक है? दोनों के अंदर बैलेंस क्या है, सेम है 5,000 एंड 5,000। इसके बाद है आउटपुट सीजीएसटी, ओनली यहाँ पे एंट्री है, इस तरफ कोई भी एंट्री नहीं है। ऑन जनवरी 31 टू बैलेंस सीडी अमाउंट क्या जाएगा? 2188, टोटल अमाउंट 2188 2188। और फेब 1 को क्या एंट्री बना देंगे? बाय बैलेंस बीडी 2188। उसके बाद अगला है आउटपुट एसजीएसटी, इसमें क्या बनेगा? टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी का अमाउंट 2188, टोटल लगाना है 2188 2188। और फेब 1 को एंट्री आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 2188। अगला अकाउंट है बैंक का अकाउंट, बताओ इसमें क्या होगा? टू या बाय टू, टोटल यहाँ पे कितना है 11 और इसमें कितना है 9, कितना डिफरेंस है? टू बैलेंस सीडी, डिफरेंस अमाउंट आ गया 2000, 11,000 11,000। और क्योंकि यहाँ पे टू बैलेंस सीडी है तो नेक्स्ट डेट पर बाय बैलेंस बीडी 2000। नेक्स्ट है अपने पास में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री है? बाय बैलेंस बीडी 2022200, बैलेंस करने के लिए ऑन जनवरी 31 टू बैलेंस सीडी 2022200, फेब 1 को बाय बैलेंस बीडी 2022200। नेक्स्ट अकाउंट है परचेजेस का, जैन 4 को एंट्री लिखा हुआ है, जैन 31 बाय बैलेंस सीडी 9,000, टोटल 1 को टू बैलेंस बीडी 9,000।
नेक्स्ट श्रवण का अकाउंट 9,540 एंड 540 10080 टू बैलेंस सीडी 10080 किस बात की हंसी आ रही है Feb 1 बाय बैलेंस बीडी 10080 नेक्स्ट है सैलरी January 31 बाय बैलेंस सीडी 1500 Feb 1 को टू बैलेंस बीडी 1500 वेजेस में टू कैश 1000 बाय बैलेंस सीडी 1000 और नेक्स्ट डेट को एंट्री आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1000 नेक्स्ट है विक्रम का अकाउंट विक्रम के अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस है 19,800 11188 11188 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट है बट इससे कम है सो January 31 को यहाँ पे आएगा बाय फिर से बोलना 12176 12176 और इसका टोटल हो जाएगा 22176 नेक्स्ट डेट को Feb 1 टू बैलेंस बीडी 12176 लास्ट थ्री अकाउंट्स बाकी हैं अपने सेल्स के अंदर January 31 टू बैलेंस सी डी 19,800 Feb 1 बाय बैलेंस बी डी 19,800 डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1200 डिफरेंस 200 January 31 बाय बैलेंस सीडी 200 1200 Feb 1 टू बैलेंस बी डी 200 लास्ट अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड January 31 टू बैलेंस सी डी 500 और Feb 1 को फाइनली बाय बैलेंस बी डी 500 ठीक है इसके बाद प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के दो तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं एक तो विदाउट लेजर और एक विद लेजर विदाउट लेजर के अंदर क्या होता है अपन रूल्स के अप्लाई करते हैं डेबिट में क्या आता है असेट एक्सपेंस या फिर ड्रॉइंग्स और क्रेडिट में क्या आते हैं इनकम लाइबिलिटी या फिर गेंस ठीक है या फिर कैपिटल
तो अभी तो अपना लेजर अवेलेबल है, अपन बहुत सिंपल तरीके से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, सारे अकाउंट्स के नेम लिखना है जितने भी गिवन है। डेबिट में कौन से वैल्यूज आएंगी, जहां पे नई एंट्री में अगर टू बैलेंस बीडी है तो वाले अमाउंट कहां जाएंगे, डेबिट में। जहां पे न्यू एंट्रीज में बाय बैलेंस बीडी है वो कहां जाएंगे, क्रेडिट में। नई एंट्रीज का मतलब जो फेब 1 को बनाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। बनाओ, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जितने भी अकाउंट्स अपन ने ओपन करे हैं लेजर में सबका पहले नेम लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, देखो कैश का अकाउंट, और कैश के अंदर न्यू एंट्री में टू बैलेंस बीडी है या बाय बैलेंस बीडी है, टू बैलेंस बीडी तो कितना अमाउंट है, 12,800, तो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको रूल से करना है आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना आप सिंपली क्या देख सकते हो, कैश क्या है, असेट, तो असेट कहां पे आता है, डेबिट में, क्योंकि अब तो अपन पढ़ चुके हैं ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी। कैश के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है आपके लिए असेट, कहां आना चाहिए, डेबिट में, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,00,000, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट आएगा डेबिट में 1,00,000। नेक्स्ट अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट में लिखोगे 1,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में क्या है, मशीन, मशीन क्या है, असेट, कहाँ आएगा, डेबिट में 50,000। देखो रूल के अकॉर्डिंग भी डेबिट में आएगा, वैसे भी डेबिट में आएगा, नया एंट्री कहाँ पे है, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, दोनों तरीके से करके देख सकते हो। गोकुल, गोकुल में नया एंट्री कहाँ पे है, टू बैलेंस बीडी, कहाँ जाएगा, डेबिट में, लिखो गोकुल्स अकाउंट, गोकुल्स अकाउंट डेबिट में 10,000, गोकुल्स अकाउंट डेबिट में 10,000। इनपुट सीजीएसटी, नया एंट्री कहाँ पे है, डेबिट में, और वैसे भी इनपुट सीजीएसटी बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, डेबिट होता है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट में 1140, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट में 1140। इन द सेम वे इनपुट एसजीएसटी डेबिट में क्या आएगा, 1140, इनपुट एसजीएसटी डेबिट में 1140। स्टॉक, स्टॉक असेट है, डेबिट में 40,000, और वैसे भी यहां देखो नई एंट्री में डेबिट में है, स्टॉक डेबिट में 40,000। राहुल का अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज राहुल बैलेंस हो गया, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। आउटपुट सीजीएसटी, नेक्स्ट अकाउंट इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट सीजीएसटी नई एंट्री में कहां पे है, राहुल को शो करने की जरूरत नहीं है, हाँ शो नहीं करना राहुल के अकाउंट को। आउटपुट सीजीएसटी नई एंट्री में कहां पे है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2188, और वैसे भी आउटपुट सीजीएसटी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसे आउटपुट एसजीएसटी नई एंट्री में कहां पे है, क्रेडिट में, 2188, आउटपुट एसजीएसटी नई एंट्री में क्रेडिट है 2188। नेक्स्ट अकाउंट इज योर बैंक अकाउंट, बैंक कहां पे है, देखो क्रेडिट में, तो बैंक क्रेडिट में लिखोगे 2000, बैंक क्रेडिट में है 2000 लिखोगे। कैपिटल, नया अमाउंट कहां पे है, क्रेडिट में, तो कैपिटल को क्रेडिट में लिखो 2022200, 2022200। परचेजेस कहाँ पे, डेबिट में, कितना अमाउंट है, 9,000, परचेजेस डेबिट में 9,000।
श्रवण के अकाउंट में नया एंट्री कहाँ पे? क्रेडिट में। श्रवण का नया एंट्री क्रेडिट में, तो श्रवण क्रेडिट में आएगा 100080। श्रवण क्रेडिट में आएगा 100080। सैलरी डेबिट में जाएगा, सैलरी डेबिट में 1500। अच्छा, सैलरी वैसे भी एक्सपेंस है तो कहाँ पे जाना चाहिए? डेबिट में जाना चाहिए। वेजेस कहाँ जाएगा? डेबिट में 1000, एक्सपेंस है और नई एंट्री में भी डेबिट में है। विक्रम, विक्रम नई एंट्री में कहाँ पे? डेबिट में, तो विक्रम को डेबिट में लिखोगे 12176। विक्रम डेबिट में आएगा 12176, 12176। सेल्स, सेल्स कहाँ पे? न्यू एंट्री में, क्रेडिट में, और सेल वैसे भी आपके लिए क्या होता है? इनकम, तो क्रेडिट ही करना चाहिए था, तो सेल को क्रेडिट करोगे 19800। सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे 19800। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, एक्सपेंस है और नई एंट्री में भी टू बैलेंस बीडी में। इन द सेम वे डिस्काउंट रिसीव नई एंट्री में कहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी में, ठीक है, और वैसे भी आपके लिए इनकम है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 500, ठीक है। ये सारी एंट्रीज होने के बाद में जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट एक बराबर आने चाहिए। चेक करो, टोटल चेक करो, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस बराबर आना चाहिए सारे अकाउंट्स लिखने के बाद में। चेक कर लो, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर आना चाहिए सबका। 197816 ये आ रहा है क्या टोटल दोनों तरफ? नहीं, क्या टोटल है? टू थ्री एट नाइन फाइव सिक्स दोनों तरफ का टोटल है 238956, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना फिनिश हो गया। यहाँ पे हमने जर्नल भी सीख लिया, लेजर भी सीख लिया और साथ में ट्रायल बैलेंस भी कवर अप हो गया अपना।